नमस्ते दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे अडोल्फ हिटलर ने जर्मनी का चांसलर बनने तक का सफर तय किया। ये कहानी हमें बताएगी कि किस तरह हिटलर ने राजनीतिक कौशल, प्रचार और रणनीति का उपयोग करके सत्ता हासिल की। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। वर्साय की संधि ने जर्मनी को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संकट में डाल दिया। इस स्थिति ने अडोल्फ हिटलर जैसे नेताओं को उभरने का मौका दिया। हिटलर ने इस समय का लाभ उठाते हुए जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए, जो बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी NSDAP बनी, जिसे हम नाजी पार्टी के नाम से जानते हैं। 1923 में हिटलर ने म्यूनिख में बियर हॉल पुश की अगुवाई की, जो एक असफल विद्रोह था। उन्हें देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया और 5 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन वे केवल 9 महीने बाद ही रिहा हो गए। इस दौरान उन्होंने मीन कैम्प लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी विचारधारा और भविष्य की योजनाओं को स्पष्ट किया। जेल में रहने के दौरान हिटलर ने समझा कि ताकत के बल पर सत्ता हासिल करने की बजाय कानूनी और राजनीतिक तरीकों से सत्ता प्राप्त करना अधिक प्रभावी होगा। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने नाजी पार्टी को फिर से खड़ा करने का काम शुरू किया। उन्होंने पार्टी के अंदर अनुशासन और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। हिटलर ने प्रचार को अपने पुनर्निर्माण अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। उन्होंने जोसेफ गोएबेल्स को पार्टी के प्रचार विभाग का प्रमुख नियुक्त किया। गोएबेल्स के कुशल नेतृत्व में नाजी प्रचार तंत्र ने रेडियो, फिल्म, पोस्टर और रैलियों का उपयोग करके जनता तक अपनी विचारधारा को पहुंचाया। 1929 में आई महान मंदी ने जर्मनी की आर्थिक स्थिति को और खराब कर दिया। हिटलर ने इस अवसर का लाभ उठाकर जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाई। उन्होंने बेरोजगारी, भूख और आर्थिक संकट के समाधान के रूप में नाजी पार्टी की नीतियों को प्रस्तुत किया। हिटलर ने वादा किया कि नाजी पार्टी जर्मनी को आर्थिक संकट से बाहर निकालेगी, रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी और देश को उसकी खोई हुई गौरवशाली स्थिति में पुनः स्थापित करेगी। इससे जनता में हिटलर और नाजी पार्टी के प्रति विश्वास बढ़ा। राजनीतिक कौशल। 1930 और 1932 के संसदीय चुनावों में नाजी पार्टी ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की। 1932 के चुनाव में नाजी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन उन्हें अभी भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इस स्थिति में हिटलर ने राजनीतिक पैंतरों का उपयोग करते हुए अन्य दक्षिणपंथी दलों के साथ गठबंधन किया। उन्होंने अपने विरोधियों को कमजोर करने और अपने समर्थन को बढ़ाने के लिए विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया। 1932 के राष्ट्रपति चुनाव। 1932 के राष्ट्रपति चुनाव में हिटलर ने पॉल वॉन हिंडनबर्ग के खिलाफ चुनाव लड़ा। हालांकि हिटलर चुनाव हार गए, लेकिन इसने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख नेता बना दिया और उनकी लोकप्रियता बढ़ाई। हिटलर ने अपने प्रचार अभियान में अपनी करिश्माई वक्तृता का पूरा उपयोग किया। उन्होंने जर्मनी की आर्थिक समस्याओं और वर्साय संधि के अपमान का मुद्दा उठाया और जनता से वादा किया कि वे जर्मनी को उसकी खोई हुई गरिमा वापस दिलाएंगे। चांसलर बनने का रास्ता। 1932 के संसदीय चुनावों के बाद जर्मनी की राजनीतिक स्थिति अत्यधिक अस्थिर हो गई थी। कोई भी पार्टी स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर पाई, जिससे सरकार बनाने में कठिनाई हो रही थी। इस स्थिति में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने फ्रांस वॉन पापेन और फिर कर्ट वॉन श्लाइचे को चांसलर नियुक्त किया, लेकिन वे दोनों ही स्थिर सरकार बनाने में विफल रहे। फरवरी 1933 में अंततः राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया। हिटलर ने वादा किया कि वे एक स्थिर और मजबूत सरकार बनाएंगे। 30 जनवरी 1933 को अडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त किया गया। नाजी पार्टी और उनके समर्थकों के लिए यह एक महत्वपूर्ण जीत थी। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने तेजी से काम करते हुए जर्मनी की राजनीति और समाज को नाजी विचारधारा के अनुरूप बदलना शुरू किया। उन्होंने राजनीतिक विरोधियों को दबाने, मीडिया पर नियंत्रण स्थापित करने और व्यापक जनसमर्थन हासिल करने के लिए कई कदम उठाए। राइखस्टाग आग और इनेबलिंग एक्ट। 27 फरवरी 1933 को राइखस्टाग में आग लगने की घटना ने हिटलर को आपातकालीन उपाय लागू करने का बहाना दे दिया। उन्होंने नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगा दिया और राजनीतिक विरोधियों को गिरफ्तार किया। 23 मार्च 1933 को राइखस्टाग ने इनेबलिंग एक्ट पास किया, जिसने हिटलर को 4 वर्षों के लिए पूर्ण विधायी शक्तियां प्रदान की। इसके बाद हिटलर ने तेजी से जर्मनी को एक तानाशाही राज्य में बदल दिया। 2 अगस्त 1934 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग की मृत्यु के बाद हिटलर ने चांसलर और राष्ट्रपति दोनों पदों को मिलाकर फ्यूरर का खिताब ग्रहण किया। इसके साथ ही उन्होंने जर्मनी पर अपनी पूर्ण सत्ता स्थापित कर ली।
तो दोस्तों, ये थी कहानी कि कैसे अडोल्फ हिटलर ने जर्मनी का चांसलर बनने तक का सफर तय किया। यह एक महत्वपूर्ण और चिंताजनक कहानी है जो हमें बताती है कि विचारधारा, प्रचार और राजनीतिक कौशल का सही मिश्रण कैसे इतिहास की दिशा बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आप और कौन कौन सी कहानियाँ जानना चाहते हैं। धन्यवाद।